नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। डीएवी कॉलेज के नजदीक दो गुटों में आपसी झगड़े के बाद गोली चलने से हुआ हंगामा, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर के थाना भार्गव कैंप की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों को हल करते हुए तीन आरोपियों को किया काबू। राणा कंदोवालिया हत्याकांड में अमृतसर मजीठा पुलिस को दीपक मुंडी का 5 दिन का मिला रिमांड। और अब हलचल विस्तार से। गत रात्रि डीएवी कॉलेज के नजदीक दो गुटों में हुए आपसी झगड़े के बाद गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं पीड़ित अनिकेत ने बताया कि वह डीएवी कॉलेज में फिजियोथेरेपी विभाग में पढ़ाई करता है और उसकी अपने सीनियर साहिल निवासी फगवाड़ा के साथ किसी बात को लेकर कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। उसने बताया कि जब वह गत रात्रि हॉस्टल में था तो उसकी साहिल के साथ फ़ोन पर बहस हुई और दोनों ने वहीं पास ही में एक रेस्टोरेंट के बाहर मिलने को कहा। वहीं अनिकेत ने बताया कि जब वह वहां पहुंचा तो साहिल ने एक फायर किया, जिसके बाद उसने तुरंत वहां से भागकर पटेल चौक के नज़दीक CIA थाने में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए थाना नंबर 1 के प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि गोली चलने की सूचना मिलने पर वह मौके पर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि वे मामले की जाँच कर रहे हैं, हालाँकि पुलिस की तरफ से गोली चलने की पुष्टि नहीं की गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सीनियर है सी कि साहिल सिद्धू नाम का भाई, अज तो साल सवा साल पहले उन्हें सानू पहले कॉलेज भी बदनाम किया चंगी तरह। रैगिंग टाइप साढ़े सीन होया जी, प्रोपर रैगिंग तो नहीं कह सकते उन्हें, बट रैगिंग ही सी। अज जी ओ फोन आया सानू तकरीबन 7:15 के करीब, तो सानू फोन से गाला कढ़न लग गया। असं क्या भीरे गाला ना कढ़ो, सीनियर है साडा, सर सर करके जी जी करके गल की जी उन्होंने, तो सानू गाला कढ़ रहे थे कि सर गाला ना कढ़ो, मिल के गल कर लो जिहड़ी गल करनी है तुसीं। अच्छा, फिर ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ DAV ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ DAV ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ M2 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ M2 ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੈਗਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, PG 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਸ ਆਰਿਆਵਾਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ, जालंधर के थाना भार्गव कैंप की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों को हल करते हुए तीन आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना भार्गव कैंप के ASI रघुवीर सिंह ने बताया कि पहले मामले में दो आरोपियों को नशा तस्करी के आरोप में काबू किया गया है, जिनके पास से 45 ग्राम हेरोइन और 275 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया है। तो वहीं दूसरे मामले में एक हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी को काबू किया गया है, जिसकी पहचान शंकर निवासी न्यू मॉडल हाउस जालंधर के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। सफलता मिली ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂਟਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 28/4/22 ਨੂੰ 78 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਬਾਰਗੋ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ, ਉਸਦੀ ਮਦਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਲੀਅਸ ਨੰਨੂ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵ ਉਰਫ ਰਿਸ਼ਵ। ਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ।
राणा कंदोवालिया हत्याकांड में अमृतसर मजीठा पुलिस लगातार बड़े गैंगस्टरों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। पिछले महीने राणा कंदोवालिया हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को भी अमृतसर मजीठा पुलिस ने रिमांड पर लिया था। शार्प शूटर का ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद दीपक मुंडी और उसके साथी राजेंद्र जोकर और कपिल पंडित को मजीठा रोड थाने द्वारा राणा कंदोवालिया हत्याकांड में आगे की पूछताछ के लिए अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें दीपक मुंडी और उसके साथी जोकर को 5 दिनों का रिमांड मिला है। वर्णनीय है कि माननीय न्यायालय में पुलिस ने दीपक मुंडी को न्यायालय में रिमांड पर लेने में 2 घंटे से अधिक समय लगा दिया, जिसके बाद पत्रकारों से भी पूरी तरह दूरी रखी गई और पुलिस ने पत्रकारों से किसी भी तरह की बात नहीं की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नाभा में पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की ओर से एक निजी समागम में भाग लिया गया। इस मौके पर राजेंद्र कौर भट्टल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल पर तीखे वार करते हुए कहा कि जो इन्होंने लोगों के साथ वायदे किए थे उस पर आप सरकार खरी नहीं उतरी और यह सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आप सरकार द्वारा सत्ता में आने से पहले भी वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री की बहन और उनकी पत्नी के साथ भी बड़ा काफिला वीआईपी कल्चर के साथ जा रहा है। इस दौरान केजरीवाल पर शब्दी हमले करते हुए बीबी भट्टल ने कहा कि वह अन्ना हजारे के साथ मिलकर लोकपाल बिल की बात करते थे, पर अब उन्होंने कभी भी लोकपाल बिल की बात नहीं की। आप पार्टी की कहनी और करनी में बहुत फर्क है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। पुरानी सियासत में बहुत भारी तब्दीली आई है ते असी लोगों को एक दूजे तो बड़े ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੰਗ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, 1000 ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਊ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕੀਆ और फायर ब्रिगेड को 4 नई गाड़ियां भी उपलब्ध करवाई। वहीं इस मौके पर इंद्रवीर सिंह निज्जर ने कहा कि सरकार की ओर से फायर ब्रिगेड को 2 गाड़ियां 12,000 लीटर पानी की क्षमता वाली दी गई हैं, जिनमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो कि 200 मीटर तक पानी की बौछार कर सकता है। यही नहीं, इस सिस्टम के हैंडल इस तरह से बने हुए हैं कि वे किसी भी दिशा में पानी की बौछार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2 गाड़ियां आग बुझाने वाले यंत्र के साथ सुसज्जित हैं, जिनमें 2 ऐसे सूट हैं जिन्हें पहनकर आग में भी खड़े हो सकते हैं। वे उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी काफ़ी आग बुझाने वाला ज़रूरी सामान भी इन गाड़ियों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज तक उनके फायरमैन बाहर के राज्यों में जाकर नई तकनीक की ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अब राज्य में ही ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बन जाएंगे जिनमें फायरमैन आग बुझाने की हर तरह की ट्रेनिंग ले सकेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अज 12,000 लीटर वाली कैपेसिटी वाली, सो उन्हें बहुत प्रेशर है, 200 फुट तक प्रेशर बजता वह, और मकैनिकल है, तुसी वो कंट्रोल करना एक हैंडल जैन होते पानी की डायरेक्शन किसी बने मर्जी कर सकते हो, सो 200 फुट से ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 45 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦੂਜੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਕੁਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਕੁਪਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,
तो दो दो सूट है ताकि तुम बिल्कुल अग के कुछ चीज़ कटनी पे कट सकते हो। पांच सूट होर दो गड्डिया साढ़े 12,000 लीटर वाली ने, दो गड्डिया दूजिया 2500 एक 2500 वाली है और एक सिर्फ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। सो इक्विपमेंट च कटर भी होंगे आ। आप अज ट्रक से गल कर रहे ना, तुम इलेक्शन लड़नी चाहते हो, अभी कहने ट्रक की गल कर ली, जो कमली आए हैं है ना। सो लाजमी है कि लोगों को पता लगे, ताकि लोगों को पता कि चीज़ साढ़े को अवेलेबल हैगी है। साढ़ा बड़ा स्ट्रैस है फायर फाइटिंग से। असी आने वाले दिनों च एक असी इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं चंडीगढ़ के नज़दीक 20 एकड़ च, जिते हूँ सारे फाइटिंग वाले जिन्हें बच्चे होंगे ना, इन्होंने नागपुर जाना पैंदा, तो असं इतने ट्रेनिंग करेंगे। लोग बाहरों आके ट्रेनिंग साढ़े को लैणगे, इतने आके उत्थे साढ़े को उच्चिया बिल्डिंगा होणगियां, उहदे च असी फायर फाइटिंग करनी बच्चों को सिखावांगे। असी पिट खोदांगे, जे अग लावांगे उस बच्चे सूट पा के जाणगे, ताकि दिलों डर निकले। पूरी ट्रेनिंग देंगे असी, उस कैमिकल च जिहड़ी स्टडीज़ होंदियां इहदे च वी असी BSc करांगे, ग्रैजुएशन करांगे, क्योंकि ये जिहड़ी कैमिकल होंदे ना, ये बड़े इंपोर्टेंट होंदे आ अग लगन च और अग नूं बुझाउण च। सो ये सारा करन जा रहे हैं असी, और काफ़ी सारे पैसे ला के असीं हर एक शहर नूं काफ़ी गड्डियां लैके देंगे, असी जिन्ने साडा स्टाफ शॉर्टेज पूरा करना। मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर जसवंत सिंह कालों, अज जो स्मार्ट सिटी के अधीन सानू 4 गड्डियां मिलियां सी, मंत्री साहब ने अज उन्हां दा उद्घाटन किया, जिदे विच 12,000 लीटर के 2 वाटर बोलसर जिहड़े बहुत कैपेसिटी वाले आ, इन्हां दे मगर हाई प्रैशर पंप जिहड़े आ 4,000 लीटर LPM दे नाल लगे है, बहुत ज़्यादा हाई प्रैशर ते जिहड़े फिक्स जैट लगे है, तकरीबन 70 मीटर तक वो थ्रो जैट सुटदे है। इस दे नाल साढ़े को 2 फायर टेंडर और एक मिनी फायर टेंडर जिदे 2500 लीटर का पानी कैपेसिटी और एक्सटेंशन लैडर समेत वो लगी हुई है। एक साढ़े को रेस्क्यू एडवांस रेस्क्यू फायर टेंडर मिले, जिहड़ा पंजाब विच तकरीबन पहला मोहाली सी, लुधियाने, अमृतसर और उस तो बाद जलंधर सिटी नूं जिहड़ा मिलिया। इहदे विच बहुत ही आधुनिक तकनीक दे जिहड़े एमरजेंसी इक्विपमेंट लगे हुए है, उन्होंने ओपरेट करने वास्ते साढ़े कोल कंपनी के बंदे आए सी, जिहड़े परसों ट्रेनिंग दे गए ने, उहदी 1-2 महीने तक ट्रेनिंग चलेगी। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी जिहड़ा इक्विपमेंट लगा हैगा, जिन्हें ओपरेट करके असी आने वाले समय के किसी वड्डी मुश्किल के विचों मतलब अपने बंदियां और पब्लिक नूं सेफ कर सकते हैं। उत्तर भारत में गत दिनों हुई बारिश में जहां पंजाब में किसानों की फसलों को तहस नहस कर दिया है, तो वहीं अगर नाभा क्षेत्र की बात की जाए तो नाभा के प्रत्येक गांव में धान की फसल और गन्ने की फसल के अलावा सब्जियों की फसल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस मौके पर किसान सुखचैन सिंह ने बताया कि उसकी 25 एकड़ में बोई गई गन्ने की फसल बिल्कुल तहस नहस हो गई है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और तेज आंधी के चलते गन्ने की फसल धरती पर बिछ गई है, इसलिए किसानों ने अब सरकार से मुआवजे की मांग की है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। नुकसान भी होया हवा करके ते मीह करके, बेमौसमी बरसात होगी उहदे करके साडा नुकसान हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया, थोड़ा नहीं होया, कल्ला मेरा नहीं सारी किसानों का नुकसान हो गया। मैं नुकसान तां वीरे कास्ट तां मेरे हुण इसे 6.5 एकड़ जगह आ मेरी, ये मैनू हो गए 15-16 साल हो गए मैनू गन्ने की कास्ट करदे नूं, हरेक साल बीजदा, हुण साल भर की खेती है पूरे, हुण इहनूं चूहा लगेगा, साडा नुकसान होगा। असीं तां मंग प्रशासन तो सरकार तो यही मंग कर रहे हैं भी साडा उरे आ के मुआवजा दिता जाए, साडा हाल देखा जाए किसानों का भी की हाल है। नाभे हल्के का देखो जी, जिवें आपां कमाद देखते हैं, जीरियां देखते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी, बेमौसमी बारिश कारण जिहड़ियां जीरियां वढ रहे थे उन्हां दा भी बहुत नुकसान होया जी। जो आ कमाद देखो डिगया पिया, हुण जद इहदी वढाई होणी आ लेबर खर्चा तकरीबन 3 गुणा पैणा जी इहदे ते, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜੋ ਜੀਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜੋ ਨਿਸਰ ਰਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂਰ ਝੜਨ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਡਿਸਕਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਕੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ प्रगट उत्सव को मनाने एवं 1 अक्टूबर को प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर अली मोहल्ला पुलिस से भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर के लिए रवाना होने वाली राम तीर्थ विशाल यात्रा तथा 8 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी की तरफ से जालंधर से निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा तथा होने वाले धार्मिक कार्यों के आयोजन के संबंध में भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल की अध्यक्षता में विशाल हवन यज्ञ भगवान वाल्मीकि आश्रम संत बाबा महेशादास पार्क शक्तिनगर में संत समाज की अध्यक्षता में करवाया गया।
इस करवाए गए हवन यज्ञ में मां बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने सभी संगत से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पूजन, कलश पूजन उपरांत मां बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास महाराज, महंत बाबा राजकिशोर, महंत रामदास, महंत बंसीदास, बाल योगी बाबा प्रगटनाथ, संत संगतनाथ, स्वामी सज्जदानंद सहित संत महापुरुषों ने विशेष रूप से शामिल होकर उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया। भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल ने समूह शहरवासियों को 1 अक्टूबर को प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर अली मोहल्ला पुली से भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर राम तीर्थ के लिए रवाना होने वाली विशाल यात्रा में शामिल होने की अपील भी की, जिसके बाद सदस्यों ने 8 अक्टूबर को निकलने वाली शोभा यात्रा व 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाशोत्सव पर शामिल होने के लिए सभी संगत को प्रेरित किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच, डॉक्टर नवजोत दैया, डॉक्टर आशुतोष, मनोज नन्ना, सुनील सहगल, पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल, शशि शर्मा, दीपक तेलू, पुरुषोत्तम सोंधी, जितेंद्र निक्का, विजय सोहता, अशोक नाहर, आनंद बैंस, चेतन हांडा, अमरजीत कादरी, रिक्की कल्याण, विनोद गिल, चरण दास सब्रवाल, विक्की गिल, गौरव कल्याण, चेतन नाहर, लिंकी बैंस, राजू नाहर, सत्यपाल दादरी, अशोक सब्रवाल, सोनू हंस, लक्की मनाली, शिव शर्मा, विक्की अमृतसरिया, भूपेंद्र सोनू, अज्जू सब्रवाल, विक्की सब्रवाल, रामू सब्रवाल, चेतन नाहर, लक्की बैंस, लाडी गिल, बॉबी सोंधी, अमित गिल, बंटी थापर, सोनू कल्याण, साजन संगर, रोशनलाल थापर, आर के सोंधी, पीटर नाहर, अभी सब्रवाल, मोहित नाहर, अभी गिल, विशाल गिल, समीर कपूर, श्रीकंठ चर्च, जोगिंदर सिंह, राकेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल रहे। जालंधर से कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। स्वाहा। ओम हरिम बगलाओं की सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदं स्तंभे जीवामि गिरिले गिरिले बुद्धिम्नाचारिमो स्वाहा।
ओम ह्रीं मगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां केकिले बुद्धिं न च हरिं ओं स्वाहा। ओम ह्रीं मगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे स्तंभे जीवां केकिले बुद्धिं न च हरिं ओं स्वाहा। ओम ह्रीं मगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां केकिले बुद्धिं न च हरिं ओं स्वाहा। ओम ह्रीं मगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां केकिले बुद्धिं न च हरिं ओं स्वाहा। ओम ह्रीं मगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे स्तंभे जीवां केकिले बुद्धिं न च हरिं ओं स्वाहा। ओम ह्रीं मगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां केकिले बुद्धिं न च हरिं ओं स्वाहा। ओम ह्रीं मगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां केकिले बुद्धिं न च हरिं ओं स्वाहा। ओम ह्रीं मुखी जी मेरे ते मेरे परिवार ते मेरे समाज ते हर पासों मैनू आशीर्वाद देना है और मेरे ते कृपा रखनी है। ये भाव के नाल कि मेरे को सवन यज्ञ च कोई त्रुटि रह गई होवे ते उहदे लई क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मंगनी है और पुष्पांजलि अर्पित कर। ओम जजनेन जयमय जंद देवास्थानी धर्माणी वर्धमाने आसन देवनागर साधन देवनाना सुगंधि पुष्पाणी पुष्पांजलि मैं तघ्यां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिनम श्रीश्वरी यदुजितमय देव परिपूर्ण हे बगलामुखी माता नाम मंत्र करना जानते हैं, नवान करना जानते हैं, विसर्जन करना जानते हैं, जो भी पूजक सामग्री आपके कृपा से ग्रहण करना, हमारे कष्ट दूर करना, हमने जिस भी मनोकामना के लिए आपका हवन यज्ञ किया उन सभी मनोकामना को पूर्ण करना। हवन यज्ञ में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, गलती रह गई, हमारे भाव में कोई त्रुटि रह गई, गलती रह गई हो तो हमें अपना पुत्र पुत्री समझ कर हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए सदा अपने चरण अपने मीटिंग करन तो बाद जिहड़ी परमात्मा ने पहले साल करोना वेले यात्रा कराई 100 तो उपर बस 150 तो उपर प्राइवेट गड्डी स्कूटर मोटरसाइकिल 40-45 टेंपू ट्रैवल बाबा जी हो गए थे ते असी तीर्थ यात्रा लेके गए। उस तो बाद फिर सारी कमेटी ने बैठ के गल की कि जिहड़ी परमात्मा दे नाल जोड़न दा ये परमात्मा ने तुहाडे हत्थों ये उपराला लिखिया वा ये कंटिन्यू चाहिदा। उस तो अगले साल जदों असी दोबारा उपराला लिखिया और बहुत ही आशीर्वाद साढ़े पूजनीय बाबा परगन्ना जी जिन्होंने हमेशा ही समाज को जोड़न लई सारे नू एक माला च परोलन लई सारे नाल गल करके वड्डे लेवल ते यात्रा कर दित्ती और जिहड़ी उह यात्रा 200 तो उपर गड्डी हो गई सी, टेंपू ट्रैवल भी वध गए सी, प्राइवेट गड्डियां भी वध गईयां सी। और मैं हर मंच ते पना प्रशासन की मीटिंग होवे, पना उत्सव कमेटी की पहली मीटिंग होवे, मैं एक गल खास तौर पर कहना कि साड़ी जड़ी उत्सव कमेटी आ ये सारे धर्मों का सत्कार करती है, सारे धर्मों के लोग ये अहुदेदार ने और सारे धर्मों के लोग इकट्ठे हो के ये दिहाड़ा मनाते हैं और वड्डी गिनती मेरिया मातावां जनरल तो क्योंकि मैं जात पात से नहीं जाना एक वैसे गल दसदा पिया वड्डी गिनती उत्साह के नाल अज बैठे ने और ये परमात्मा की ही कृपा वा। और साढ़े बहुत ही बजुर्ग बिशन दास सहोता जी इन्हों का भी हमेशा साढ़े ते आशीर्वाद रहा। शहर ऐसा शहर है पूरे पंजाब तो जिहड़ा तीर्थ यात्रा लैके जाता वा, इस चीज़ का तुहानू माण होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि साढ़े प्राचीन आली महल तो तीर्थ यात्रा पूरे पंजाब तो निकलती है। संत समाज जी बैठे ने सारे हाथ खड़े करो, जो बोले सोन रे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जालंधर छावनी के मंदिर श्री बजरंग भवन में प्रत्येक वर्ष की तरह नवरात्रों के शुभ मुहूर्त पर भारतवर्ष से 9 शक्तिपीठ ज्योति स्थापित की गई है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में श्री सालासर धाम से भी ज्योति लाई गई है। वहीं कैंट में सभी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना से पहले शोभा यात्रा के रूप में नगर परिक्रमा निकाली गई, जिसमें सभी भक्तों ने नतमस्तक होकर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली बनाया। मंदिर श्री बजरंग भवन में पूरी विधि और पूजा अनुसार सभी ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं।
तो वहीं रोजाना पूजा अर्चना एवं लंगर की व्यवस्था मंदिर परिसर की ओर से की जा रही है। इस मौके पर मंदिर परिसर के प्रधान विजय गोयल, उप प्रधान कुलभूषण अग्रवाल, किरण कुमार, मधुसूदन शर्मा, राजीव कश्यप, पवन अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, राजकुमार, रोबिन कनौजिया, ओम प्रकाश कनौजिया, दीपक गुप्ता और संजय इत्यादि भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। अमृतसर जिले का बड़ा हनुमान मंदिर जो कि दुर्गियाना तीर्थ में है, वहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रसिद्ध लंगूर मेला नवरात्रों के पहले दिन शुरू हो गया है। इन नवरात्रों में ही लंगूर मेला लगता है। इस मेले में नव जन्मे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग और नौजवान भी लंगूर बनते हैं। कहते हैं कि पूरे 10 दिनों तक ब्रह्मचारी बनकर नियमों के साथ साथ पूरे रस्मों रिवाज के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है और यह 10 दिनों का ब्रह्मचार्य जीवन दशहरे वाले दिन खत्म होता है। गौरतलब रहे कि दुर्गियाना तीर्थ कमेटी की ओर से लंगूर मेले को लेकर खास प्रबंध किए हुए हैं और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिनकी मुराद पूरी होती है वह यहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं। वहीं इस दौरान यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं ने बताया कि उनकी ओर से यहाँ पर बेटे की मुराद मांगी गई थी जो हनुमान जी ने पूरी की, इसलिए वे अपने बेटे को लंगूर की वेशभूषा पहनाकर यहाँ माथा टेकने आए हैं। उन्होंने बताया कि लंगूर बनने में कुछ नियमों की पालना भी करनी पड़ती है, जैसे कि प्याज इत्यादि नहीं खाना होता, कटी हुई सब्जी भी नहीं खानी होती और नंगे पाँव चलना होता है व ज़मीन पर ही सोना होता है। उन्होंने कहा कि इन नियमों की पालना करते ही उनकी मन्नतें पूरी होती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अपना अपनी सुखिया ही लंगूर बनाया इन्होंने खुशी है। पहले दो बेटियां ने ये छाती तो बाद होया, ये समझ लो तीन पांच साल बाद होया, ये कोई और मैं 8 साल का थी हूँ मैनू हनुमान जी से 25 साल हो गए जी। हाँ जी देखो हनुमान जी का जरा भगत होंगे ना अपने आप हनुमान भगत भगवान चुन लगा है। 8 साल तो असं जो छोटे थी इधर मंदिर आई दा सी साड़ी भी हनुमान जी ने बाह फड़ लिया थी, हूँ 8 साल हनुमान जी की कृपा नाल सेवा निभाने पा रहे हैं। जय साईं गुलाम शाह जी सोसाइटी मोहल्ला जट्टपुरा नज़दीक चरणजीतपुरा जालंधर की ओर से बाबा मुराद शाह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में महफिल ए कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कव्वाल सरबजीत और गुलाम रसूल मलेर कोटला वालों ने अपनी कव्वालियों के माध्यम से बाबा जी की महिमा का गुणगान किया। इस मौके पर दूर दूर से आए भक्तों ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में सोसाइटी की ओर से भव्य लंगर का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। फनाओ बगैर बका का पता नहीं मिलता, खुदी मिटे ना जब तक खुदा नहीं मिलता। जो मांगने का तरीका है उसका रहे महा झोली
जय गणपति सेवा सोसाइटी की ओर से 20वां माँ भगवती का जागरण 7 अक्टूबर को मोहल्ला नंबर 23-24 के मध्य जालंधर छावनी में बड़ी धूमधाम से करवाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई, जिसमें ACP कैंट बब्बनदीप सिंह और समाज सेवक गुरशरण सिंह टक्कर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू ने बताया कि इस जागरण में महंत कृष्ण कुमार मैपी एंड पार्टी और प्रसिद्ध भजन गायक वरुण मदान माँ भगवती की महिमा का गुणगान करेंगे। इस मौके पर श्री बांके बिहारी मंडल जालंधर कैंट, श्री राम मंदिर जालंधर कैंट के सभी सदस्यों सहित कांग्रेसी नेता राजकुमार राजू, रमनदीप सिंह सोडी, कमल चौहान, पंडित राजेंद्र शर्मा, मनीष जिंदल, गीतांजलि रितिका, आकांक्षा, पूजा दीक्षा, विक्की जिंदल, मनु जिंदल, अंजू शर्मा, मुनीश सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। विजय का दीप के नैनो की राती, जिस दिन प्रेम की ज्योत जगाओ, आरती जगे जने। माता जी सबनों जी, अज 23-24 महल्ले विच रामा मंदिर दे विच पप्पू जी प्रधान वल्लों गणपति सेवा सोसाइटी जिहड़ी उन्हां वल्लों जागरण कराया जा रहा है, ते अज नवरात्रियां दा शुभ आरंभ होया है, ते सारे कैंट निवासियां नूं मेरे वल्लों बहुत बहुत वधाई है। ते मैनू इन्हां ने मान बख्शिया कि जी झंडे दी रस्म मेरे तों करवाई गई, ते मैं तहे दिलों धन्नवादी हाँ, ते पुलिस प्रशासन वल्लों सब नूं इह फेस्टिव सीजन दी वधाई दिंदा। जय माता दी, जय माता जी। श्री गणपति सेवा सोसाइटी वल्लों जिहड़ा कि महामाई दा जगराता 20वां जगराता महला नंबर 23 दे विच हरविंदर सिंह पप्पू वालों करवाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने 51 जगरातिया का सुखिया होया, तो 20वां जगराता जिहड़ा है महला नंबर 23-24 7 तरीक नूं बड़े श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। उस संबंध में अज जिहड़ी शुरुआत की गई झंडे की रस्म साडे हल्के दे DSP साहब बबनदीप सिंह और नाल ही राजकुमार राजू जी अते हरविंदर सिंह पप्पू, कमल प्रधान जी सारे इत्थे पहुँच के इस झंडे की रस्म अदा की। मैं जी गणपति सेवा सोसायटी वालों नरात्या दे विच झंडा समारोह अज सवेरे हो रहा है, जिहदे विच साडे गगनदीप जी DSP साहब, असीं इन्हां नूं आमंत्रित कीता ते इन्हां ने जी आयां नूं कहा और आ के इन्हां ने मंदिर दे विच अपने वालों लोगों नूं दस्सिया कि किदां असीं प्रशासन का काम कर रहे हैं और हुण बहुत अच्छा काम कर रहे ने साडे गगनदीप जी, असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय माता दी। जो कि हर साल की तरह इस साल भी महाराणी का जागरण का जो शुभ आरंभ हो जा रहा है, वो साडे बबनदीप जी जो कि साडे वड्डे भरा आ, उन्होंने आके झंडे की रस्म जो कि है सब्जी मंडी ग्राउंड करनी है। सानू बड़ी खुशी हैगी है कि जो साडे भाई साहब ACP साहब ने और राजकुमार राजू जी और गुरचरण सिंह टक्कर जी और साडे कमल चौहान प्रधान जी और साडे सारे साथी जो कि साडे नाल जुड़े हुए, इन्हों का सारे का मैं धन्यवाद करदा। और मैनू बड़ी खुशी है कि जो अज जड़े जिन्हों के साडे इत्थे साहब आए हैगे आ, इन्होंने बड़ा सुख शांति दा और बहुत शांति साडे कैंट च कीती है और असीं यही इन्हां तों उम्मीद रखते हैं, इदा ही ये रहन, लोग भी इदा ही इन्हां दी गल मनन और इन्हां दे कहे हुए जिहड़ियां गल्लां उत्ते चलन। और अज जो माँ का चिंतपुर्णी का नौ देवियां का मतलब जो नराते शुरू होण जा रहे है, उहदी असीं अपने वालों सारिआं नूं लख लख वधाई दिंदे, देशों विदेशों रहण वालिआं नूं और इसे तरह महामई सारिआं नूं बुद्धी दवे कि नशियां तो दूर रहन और पुलिस दा जो है वह भी मदद करन, कोई भी जो लोग ने वो गंदे कामां वाल ना जान। और कुछ दिन पहले भी साढ़े इत्थे एक बॉक्सिंग कराई गई है, इस करके मैं यही सारिआं नूं उम्मीद करदा आस करदा इन्हां तों कि जो ये खेलां वाल नूं सारे बच्चे जान, नशियां तो दूर रहन और पुलिस दी साडे जो कमिश्नर साहब जलंधर ने उन्हां दी देख रेख दे विच भी सारा काम जो कि बहुत अच्छा जलंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब च हो रहा है, मैं इत्थे आने बबनदीप जी का राजकुमार राजू जी का और सारिआं दा अपने वालों तह दिल तो धन्यवाद करदा। और मैं कल्ला जागरण नहीं कर रहा, साडे टक्कर साहब कहिंदे सारी मेरी टीम है और सारे जने मिल के मेरे नाल करदे, सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। DAV कॉलेज के नज़दीक दो गुटों में आपसी झगड़े के बाद गोली चलने से हुआ हंगामा, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर के थाना भार्गव कैंप की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों को हल करते हुए 3 आरोपियों को किया काबू। राणा कंदोवालिया हत्याकांड में अमृतसर मजीठा पुलिस को दीपक मुंडी का 5 दिन का मिला रिमांड।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।